Assalamualaikum viewers, welcome to Sumbul ka kitchen. आज हमारे किचन में बन रहा है लौकी का हलवा। लौकी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है सूखा दूध, 1 कप मैंने घी ले लिया है और दूध हमें इतना ही चाहिए हस्बैंड जरूरत जितनी हमें ज़रूरत होगी लौकी को बॉईल करने के लिए। और ये मैंने इलायची ली है जो मैंने कूट ली है, ये खोपरा लिया है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून खोपरा लिया है, 2 टेबल स्पून बादाम लिए हैं और 3 टेबल स्पून मैंने पिस्ते लिए हैं और ये खोया है तकरीबन 1 पाव खोया है, इसे मैंने क्रश कर लिया है और ये लौकी ली है और 1 कप हमने भर के चीनी ली है। लौकी में तकरीबन 1.5 किलो ले रही हूँ। देखें व्यूअर्स, हमने ये छील के 2 हिस्सों में हमने ये काट लिए लौकी और ये जो बीज का हिस्सा है आप किसी भी स्पून की मदद से, जो जितने भी बीज हैं वो स्पून की मदद से आप इस तरह इसको निकाल लें। इसमें बीज का हिस्सा नहीं आना चाहिए। देखिए व्यूअर्स, इस तरह मैंने सारे इसके अंदर से बीज निकाल लिए हैं और इसको बिल्कुल मैंने खाली कर लिया है। अभी हमारे पास कद्दूकस है, इससे हम अपनी लौकी को कद्दूकस कर लेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ये लौकी हमने कद्दूकस कर ली थी और इसका सारा पानी हमने खुश्क कर लिया है और हम पतीली में डालकर अभी इसका सारा पानी खुश्क कर लेंगे ताकि लौकी जो अपना पानी छोड़ती है वो खुश्क हो जाए। ये देखें, इसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं निकला है क्योंकि मैंने इसका सारा पानी खुश्क कर लिया है और हम इसे भून कर अच्छी तरह इसको और खुश्क कर लेंगे। और मैंने आपको बताया था मैंने 1.5 किलो लौकी ली है। 1.5 किलो लौकी मैंने इस हिसाब से ली है कि लौकी के अंदर का तो सब कुछ निकल गया है और जो बाहर के छिलके थे वो तकरीबन मैंने 1.5 किलो लिए हैं, लेकिन ये 3 किलो लौकी थी जो सारे बाहर के छिलके और अंदर के जो गूदा वगैरह था इसका वो सब निकालने के बाद ये लौकी तकरीबन 1.5 किलो रह गई है हमारे पास। देखें व्यूअर्स, इसका सारा पानी खुश्क हो गया है और इस पानी को खुश्क करने में तकरीबन मुझे 10 से 20 मिनट लगे हैं और चम्मच मैंने लगातार इसके अंदर चलाया है ताकि जले नहीं, क्योंकि मैंने इसको तेज आंच पे इसका पानी खुश्क किया है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध हमें हसबे ज़रूरत डालना है, जिसमें जितनी इसके अंदर ज़रूरत हो, बस दूध हम इतना ही डालेंगे। ये तकरीबन 1 कप मैंने दूध डाला है इसमें ताकि लौकी इसके अंदर गल जाए बस, और इसको ढक देना है बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। आपको इसको ढक देना है जब तक ये लौकी गल ना जाए। देखें व्यूअर्स, हमारा दूध सारा खुश्क हो गया है और ये दूध के अंदर मैंने तकरीबन 2 चुटकी मैंने ग्रीन कलर ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो आप नहीं डालें। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी और इसको ढककर पकने देंगे जब तक हमारा दूध खुश्क हो जाए। देखें व्यूअर्स हमारा दूध खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खुश्क दूध। खुश्क दूध डाल के इसको चम्मच चलाएंगे, खुश्क दूध को इसके अंदर अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम घी डाल लेंगे। ये हमने डाल दिया हमारा घी। घी को इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर देसी घी भी डाल सकते हैं, हमारे पास नहीं था तो हमने नहीं डाला। अगर होता तो हम इसके अंदर देसी घी ही डालते क्योंकि देसी घी में हलवे और मिठाइयाँ बहुत मज़ेदार बनती हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, जो हमने कूटी हुई इलायची थी जो हमने कूट ली थी वो हम इसके अंदर डालेंगे। और ये हमारी 1 कप चीनी है, चीनी भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सारी। और इसका हम चम्मच चलाते रहते हैं। तो बस व्यूअर्स, अब इसके अंदर हमें मेहनत की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा ताकि हम इसका चम्मच चलाते रहें और ये अच्छी तरह हलवा हमारा पक जाए। देखें व्यूअर्स, हमारा हलवे की चीनी घी इसके अंदर अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा खोया। हम आधा खोया डालेंगे इसमें और आधा खोया हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। आधा खोया हमने डाल दिया है इसके अंदर। खोया डालकर हमें इसे अच्छी तरह और भून लेना है। हाँ, अभी इसकी बुनाई बाकी है, ये इतनी जल्दी नहीं भून जाता, इसे काफ़ी टाइम तक और हमें भूनना है।
तकरीबन अभी जो मैंने भूना है तकरीबन इसे आधा घंटा भूना है और तकरीबन अभी इसके अंदर 20 मिनट और लगेंगे इसको खुश करने के लिए, 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो चले फिर मिलते हैं 15 से 20 मिनट के बाद। देखिए व्यूअर्स, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है सर्व होने के लिए। ये पतीली से छूट रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसे पतीली में निकाल लेंगे। तो चले आइए अब इसको निकालते हैं। ये मैंने डिश तैयार कर ली है, इसके ऊपर मैंने घी लगा के, खोपरे लगा के, बादाम पिस्ते की लेयर लगा के और फिर मैंने साइड में इसे खोया लगा दिया है। अब हम इसके अंदर अपना हलवा ऐड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर रख दिया है जमाने के लिए। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसको हम हवा में रखेंगे तो इसके पीसेस तैयार हो जाएंगे। आप फ्रिज में चाहें तो फ्रिज में रखें और अगर वैसे चाहें तो वैसे रखें। देखें व्यूअर्स, हमारा लौकी का हलवा तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी लौकी के हलवे की रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि मैंने ये हलवे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की, आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।